कौन से पक्के रहेंगे हमारा यही साफ है। आपने कोशिश करनी है जब मुझे रखते हो ना, हम चाहते हैं कि जहाँ पता चलता है ना, और एंटरप्रेन्योर बनना एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है, मुबारक की बात होती है। किसी अगर मैं बीए ग्रेजुएट बीए हूँ और उसके बाद मैं एनआरएलएम उम्मीद स्कीम से जुड़ी हूँ 6 महीने से, और 6 महीने से मैं कम्युनिटी मोबिलाइजर का काम कर रही हूँ उम्मीद स्कीम में। तो इसमें हमें आरसीटीआई की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई 1 हफ्ते की, और उसमें सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहले कि इनकी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, सबसे पहले इन्होंने हमें जब हम आते थे तो चाय पिलाते थे, उसके बाद हमें ट्रेनिंग दी जाती थी, बीच में ब्रेक होती थी और ब्रेक में हमें लंच भी दिया जाता था, और सर ने हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया, बहुत अच्छे से सर ने हमें सिखाया, बिज़नेस के बारे में सिखाया कि हमें बिज़नेस कैसे करना चाहिए और खुद अपने पांव पे कैसे खड़े होना है। और मैं सब बहनों को यही बोलूँगी कि आप सब आएँ आरसीटीआई स्कीम में आएँ और यहाँ पे ट्रेनिंग लें और खुद का कुछ बिज़नेस इस्टेब्लिश करें आप। मैं एनआरएलएम से 2.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और 2 साल से मैं कम्युनिटी मोबिलाइजर का काम कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको, जब शुरू में आपने ज्वाइन किया था कैसा लग रहा है? सर, जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था तो हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, और एनआरएलएम में आने की वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसमें हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो हमने कभी देखा सुना भी नहीं था। हमने बहुत सी लेडीज़ को भी अपने साथ जोड़ा है और बाहर ट्रेनिंग्स करवाई हैं, जैसे आईटीआई में हमारी तीसरी बार ट्रेनिंग है, 2 बार हम ट्रेनिंग ले चुके हैं जिसमें हमें डोमेस्टिक डाटा एंट्री, फैशन डिज़ाइनिंग, कटिंग टेलरिंग का भी सिखाया गया था। हमारा अब 3rd बैच जो है वो अब लगने वाला है, जिसमें लेडीज़ काफ़ी सारी लेडीज़ ने पार्टिसिपेट्स किया है। तो यहाँ पे कितने दिन की ट्रेनिंग है आपकी? सर, यहाँ पे हमें 6 डे की ट्रेनिंग्स मिली है, जिसमें हमें 35 लेडीज़ का बैच था जो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हैं, और यहाँ पे ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छे से मिली है। हमें जनरल EDP के बारे में बताया गया है कि हम कैसे एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया है कि हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेस तो हम पहले भी जैसे छोटा मोटा कर रहे थे, मगर हमारे तौर तरीके और थोड़ा बिजनेस के हिसाब से हमें कुछ नॉलेज नहीं थी, जो बाकी कमियाँ थी वो हमें यहाँ पूरी कर दी गई हैं, और हमें अच्छे से इन्होंने कैसे बिजनेस करना है, एक इनकम कैसे से अच्छी इनकम जनरेट करनी है, वो इसमें यहाँ पे हमें बताया गया है। एक चीज थी जैसे मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बता जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ आए थे तो हमें सिलाई लगाने की जांच भी नहीं थी, और हम अब पूरे ड्रेस सिलाई करके जा रहे हैं, जैसे हमें बता रहे कटिंग का तरीका, स्टिचिंग वगैरह सब कुछ, मशीन के पार्ट्स वगैरह के बारे में बताया हमें, सुई जैसे कि कितने नंबर की कौन से कपड़े में लगती है ऐसे बताया, अफगानी सलवार बताई है, प्लाजो, फ्लेयर वगैरह, मतलब सभी कुछ अलग अलग तरीके हमें बताए हैं, सब कुछ अलग से बहुत अच्छे से मैम ने सिखाया। हमें सीधी सिलाई बांधना भी नहीं आता था और हम यहाँ से ड्रेस बना के घर जा रहे हैं। हमें बहुत कम दिन हुए अभी हमें यहाँ आए हुए और हम बहुत अच्छे ड्रेस सिलाई करके जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये RSETI ने एक ट्रेनिंग सेशन रखा था 35 लेडीज़ का 6 डेज का, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि आप हम कैसे एक बेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। हर हमारी लेडीज़ काम तो कर रही थी बट उनको तरीका नहीं आ रहा था वो कैसे करें। सारी फीमेल्स अपने घर बैठ के छोटा छोटा बिजनेस किया, स्टार्ट किया हुआ है, बट उनको ये तरीका नहीं आ रहा था वो कैसे करें। हमें इस 6 दिन के सेशन में हमें यही सीखने को मिला है कि हम काम कैसे करें। हम बिजनेस कर तो रहे हैं बट बिजनेस में थोड़ा बहुत रिस्क उठाना पड़ेगा। यही इसी के अकॉर्डिंग सर ने हमें 6 डे की ट्रेनिंग दी है। जनरल EDP के अकॉर्डिंग एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसपे हमने प्रोग्राम था, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग दी है कि इंसान को एक सेल्फ